हेलो गाइस, बद्रीनाथ के व्लॉग में आपका स्वागत है। ये है मंदाकिनी नदी जो यहाँ की खूबसूरती और बढ़ा देती है। तो मंदिर में जाने से पहले सब लोग यहाँ के तप्त कुंड में नहाने आते हैं। मैं भी ये देखने आ गया। हाँ, जकूजी आप बोल सकते हैं। एक चीज ये कि इधर आप सोप का यूज भी कर सकते हैं। आपको जो है खाली पानी में नहाना है। महिलाओं के लिए है वो अलग कुंड है। काफी सारे इधर सोर्स है गर्म पानी नहाने के लिए। मेरे जो दर्शन है वो अच्छे से हो गए। भीड़ जो थी वो काफी कम थी। नॉर्मली इससे 10-20 टाइम्स भीड़ ज्यादा रहती है। बद्रीनाथ के आसपास काफी सारे ढाबे हैं। यहाँ गर्म दूध काफी स्पेशल और काफी पॉपुलर है। मैं ठंड में गर्म दूध पी के आगे ट्रैक के लिए निकल गया। तो अभी हम माणा विलेज के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, आपने काफ़ी सुना होगा द लास्ट इंडियन विलेज, माणा विलेज। काफ़ी सारे व्लॉग्स माणा विलेज पर बने हैं, काफ़ी फेमस है। और यहाँ की आप खूबसूरती देखिए, वाव। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ लास्ट इंडियन विलेज माणा में। बस एंट्री करने वाला हूँ। ये पीछे गेट मेरे। तो माणा विलेज में जाते ही हमें लोग ट्रेडिशनल पूजा करते हुए दिखाई दिए। माणा विलेज एक टूरिस्ट विलेज है, तो दूसरे टूरिस्ट विलेज की तरह इधर भी महिलाएं गरम कपड़े बेचते हुए दिखाई दी। ये क्या आंटी? अच्छा, ग्रीन टी। ये ठीक आंटी, ले लेता हूँ। इसको खाली चाय में ऐसे डालो। चाय में वो दूध में भी होगा ना। हाँ। कोई परवाह नहीं है। चीनी घालो, चायपत्ती घालो, एक चम्मच इसको डालो, खूब उमालो, देखो कितने आनंद आपके लिए। ठीक है ठीक है। और सस्ती है, इतनी महंगी भी नहीं है। हम लोग मॉल वॉल से खरीद लेते हैं। और यहाँ से भी जो गाँव है, गाँव से भी हमें चीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है आपको ओरिजिनल चीजें मिलेंगी, वो भी एकदम सस्ते रेट्स में, इतने महंगे रेट्स में नहीं दे रहे हैं। तो कभी भी आप माणा गांव आओगे तो आप छोटी मोटी जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहां से ले लो। 150 का 100 में नहीं होगा? प्योर वुलन। यूट्यूब में मत डालो। अच्छा ठीक ठीक, आपको चैनल का पता है। नहीं, आपका फेस नहीं ले रहा। नहीं, फेस मत लो रे बेटा, हमारा बच्चे बाहर, वो बोलेंगे मम्मी लोग रास्ते में बैठे क्या करना बेटा। नहीं कुछ नहीं करेंगे तो हमारा, ये तो अच्छी बात है ना आंटी, रोजगार है ये सब। खुद इंडिपेंडेंट रह के सेल कर रहे हो, रोजगार भी है, ये तो अच्छी चीज होनी चाहिए। इसमें कुछ शर्माना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो काफी ये लोग मेहनत करते हैं। तो आप देख रहे हैं वो जो स्टोन जैसा बड़ा स्ट्रक्चर, वो माना जाता है कि जो भीम थे महाभारत में, उन्होंने पुल बनाया था। अभी तो कंक्रीट के ऊपर से, लेकिन पहले खाली पत्थर था। इसमें लिखा है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। तो यहाँ सिर्फ आपको मैगी और चाय मिलेगी। और हाँ, यहाँ भीड़ काफी ज्यादा थी, कारण आप देख सकते हैं। तो ये आपकी आखिरी दुकान है जो आप मान रहे हैं। ये मफलर बहुत दिनों से पहन रहा हूँ, अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ मैं ये मफलर पहनूं। अच्छा लग रहा है ना? कमेंट करना कैसा लग रहा है ये मफलर। ये तो इधर ही काम आएंगे, मुंबई में तो कोई इसे पहनता है नहीं। तो चलो इधर ही मजे ले लो। तो अभी ये पहन के आगे चलेंगे वसुधारा की तरफ। और एक और चीज़ ये है कि आज ट्रैकिंग के लिए चप्पल पहनी है। आप देखोगे ये जो लैंडस्केप है, ये बिल्कुल लद्दाख से मिलता जुलता है। हर जगह ऐसे पहाड़ हैं जिसमें एक भी पेड़ नहीं है। पेड़ नहीं होने का एक कारण ये है कि इधर पहले तो बहुत ठंड होती है, तो वेजिटेशन वैसे ही नहीं होता है। और दूसरा, ऑक्सीजन लेवल भी कम है।
ये देखिए कच्चा भी है। अखरोट जो होता है ऐसे होता है, देखिए आप बाहर से कवर है और अंदर से ये अखरोट है जो कि ये वाला पार्ट है। तो ऐसे अंकल को अखरोट मिले, अभी देखते हैं। वैसे भी ट्रैकिंग में नट्स की काफ़ी ज़रूरत होती है, हमने थोड़े बहुत कैरी किए थे और थोड़े बहुत जो है हमें इधर से मिल गए। ये कच्चे है ना इसलिए ऐसे हो रहे हैं। ना ना कच्चे नहीं, ये वाले वही वाले बेकार वाले। फिलहाल तो ये कच्चे हैं, पके नहीं हैं, लेकिन मैं खा लेता हूँ थोड़ा बहुत। एकदम रॉ टेस्ट आ रहा है, जूसी हो रहा है, मतलब वैसा अखरोट नहीं जैसे हम लोग खाते हैं, जो हमें मार्केट में मिलते हैं वैसे नहीं है, वो हल्के सूखे रहते हैं, लेकिन इनमें जूसी टेस्ट आ रहा है। ट्रैक की खास बात यह है कि आज मौसम काफी साफ था, और दूसरी चीज ये है कि किधर भी आप कैमरा घुमाओ खूबसूरत पहाड़ी आपको नजर आएंगे। माणा विलेज से ये जो ट्रैक है वो करीबन 5 किलोमीटर का है। माणा विलेज तक गाड़ियां आती हैं। अगर आप बद्रीनाथ से करोगे तो टोटल 8 किलोमीटर हो जाएगा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने बद्रीनाथ से ट्रैक किया था, क्योंकि मेरे पास पर्सनल गाड़ी नहीं थी, तो लगभग 8 किलोमीटर हो गए थे। हमारे अलावा कोई नहीं है, कोई भी ट्रैक में नहीं है। कभी कभी तो भीड़ मिलती थी, लेकिन ये टाइम माणा विलेज से ऊपर कोई आया ही नहीं, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, शांति है। वो साइड से स्वर्ग रोहिणी ट्रैक के लिए वो पाथ है, और ये जो पाथ है ये वसुधारा के लिए जाता है। तो स्वर्ग रोहिणी के लिए तो काफ़ी सारा सामान चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, क्योंकि जिसमें आप ट्रैकिंग करोगे वो बर्फीले पहाड़ होंगे, उधर आपको ऐसे रास्ते नहीं मिलने वाले। देखिए बर्फ जमी है, बर्फीली हवाएं वो मुंह फाड़ देती है पूरा। लास्ट टाइम मैंने फेस को कवर नहीं किया था, तो जो मेरा नोज और मेरा पूरा फेस है वो फट गया था। जरूरी ये है कि आप जो अपना फेस है वो कवर कीजिए। तकरीबन 5 किलोमीटर हम 2 घंटे में ट्रैक कर चुके हैं, और ये रहा वो खूबसूरत वाटरफॉल वसुधारा। मैंने इससे खूबसूरत वाटरफॉल मेरे लाइफ में नहीं देखा। इसकी खूबसूरती का प्रमुख वजह इसकी लोकेशन है, आसपास खूबसूरत पहाड़ों से घिरा है ये झरना। ड्राइवर अंकल और मैं कुछ देर यहाँ बैठ के यहाँ के नज़ारों का आनंद लेने लगे। हम अपने साथ काजू बादाम लाए थे, जिनका लुफ्त इन नज़ारों के साथ उठा रहे थे। ये जगह को देखकर अंकल के अंदर का बच्चा जाग उठा, ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब अगस्त का महीना था, वो टाइम में जो वाटर फ्लो है काफ़ी ज़्यादा था इस पर, और यहाँ तक पूरा 500 मीटर तक पानी बहता था, इतना ज़्यादा वाटर फ्लो था, लेकिन फिलहाल वाटर फ्लो कम है। आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।